Good morning, students. I am again here with you to teach you EVS. Our topic was animals. We have read before, or in previous video, we have seen that animals, according to their eating habits, yeah, the food that they eat, they are divided into three groups. They are divided into three groups. हाबीवर्स एनिमल्स कार्निवर्स एनिमल्स एंड ओमनिर्स एनिमल्स दिज वी प्रीवियस वीडियो नाउ वी विल सी फीडिंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स मतलब खाने की आदत फीडिंग मतलब खाने की हैबिट्स मतलब आदत अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग खाने की आदत होती है डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अलग अलग जानवर अलग अलग तरह का खाना खाते हैं The kind of food they eat depends upon the shape of their mouth, jaws and teeth. और जो वो खाना खाते हैं जिस तरह का वो depend करता है वो निर्भर होता है उनकी shape of mouth, उनकी mouth की shape पे depend करता है उनकी jaws यानी जबड़े पे depend करता है और उनके teeth दांतों पे depend करता है Now first we will see some animals swallow their food. कुछ animals अपने food को swallow करते हैं Swallow मतलब निगलते हैं Swallow मतलब निगलते हैं तो सम एनिमल्स लाइक फ्रॉग लिजर्ट एंड स्नेक स्वेलो देयर फूड ये जो फ्रॉग है मेंढक देखा होगा लिजर्ट छिपकली स्नेक ये क्या करते हैं अपने फूड को निगलते हैं जो फ्रॉग और लिजर्ट होते हैं वो अपने फूड को या अपने प्रे प्रे यानी शिकार को पकड़ते हैं अपनी स्टिकी टंग से स्टिकी टंग यानी चिपचिपी जीभ से पकड़ते हैं अब ये देखो इसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा देखो फ्रॉग है ये है कैमिलियन ये है स्नेक ये दीज आर एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड नाउ अवर नेक्स्ट इज सम एनिमल्स च्यू द फूड कुछ एनिमल च्यू द कर्ड। कुछ एनिमल्स अपने कर्ड को च्यू करते हैं अब इसका मीनिंग देखो क्या है अभी एक्सप्लेन करती हूं सम एनिमल्स लाइक काओ बफेलो फर्स्ट दे निबल देयर फूड फिर पहले क्या करते हैं वो अपने चारे को जैसे गाय भैंसों को तुम चारा डालते हो वो जल्दी जल्दी फटाफट बिना चबाए उसको अंदर अपने बॉडी में, में ले जाते हैं अपने स्टोमक में ले जाते हैं देन दे उसके बाद जब भी उन्हें टाइम लगता है या जब भी वो फ्री होते हैं दे ब्रिंग बैक पार्ट ऑफ द फूड वो उसके भाग को उस खाने के भाग को थोड़ा थोड़ा लाकर च्यू इट प्रोपरली अपने उस खाने को ढंग से फिर चबाते हैं इसको बोलते हैं हम चुईंग द कड मतलब पहले वो जल्दी जल्दी उसको निगल जाते हैं खा लेते हैं चबाते नहीं है बिना चबाए पेट में ले जाते हैं खाने को और फिर उसको थोड़ा थोड़ा लाकर ढंग से चबाते हैं इसे कहते हैं दिस इज कॉल्ड द कट इसे कहते हैं द कट अब ये देखो काऊ है कैमल है बफेलो है तुम्हारे घर में तुमने देखी होगी तो ये है इनको कहते हैं द कट क्योंकि ये अपने कड को च्यू करते हैं अब नेक्स्ट इज सम एनिमल्स टीयर देर फूड कुछ एनिमल्स अपने जो फूड है उसको फाड़ कर खाते हैं जैसे लॉइन है डॉग है कैट है ये अपने मीट को फ्लैश को फ्लैश यानी मीट मांस जो होता है उसको अपने शार्प पॉइंटेड अपने पैने दांतों से पहले उसको फाड़ देते हैं और फिर वो उसको चबाते हैं अपने ग्राइंडिंग तीत से अपने जो पीछे उनके चबाने वाले तीत होते हैं उनसे खाते हैं उनको पीस चबा चबा फिर खाते हैं नेक्स्ट इज सम एनिमल्स एनिमल्स ग्नो ग्नो फूड कुछ करते हैं ग्नो कुतरते हैं खाने को कुतरने को ग्नो कहते हैं जैसे रैबिट है स्कोरल है रेट है इनके शार्प फ्रंट टीथ होते हैं चेजल जैसे कैसे टीथ होते हैं इनके चेजल जैसे चेजल क्या होता है छेनी जो कि कारपेंटर यूज करता है लकड़ी को लकड़ी को आ, काटने में या लकड़ी को में छेद करने में तो वैसे टीथ होते हैं उनके इसीलिए वो खाने को जल्दी जल्दी कुतर कुतर कर खाते हैं जैसे और वो हार्ड फूड खाते हैं जैसे ग्रेन्स और अदर थिंग्स भी खाते हैं दीज एनिमल्स आर कॉल्ड ग्रॉइंग एनिमल्स ये देखो बेटा रेबिट है रेट है ठीक है रेबिट है स्क्वाल है रेट है इनके टीथ ये देखो ये चेजल शेप ये देखो दिखाई दे रहे ना इसकी शेप चेजल जैसी होती है छेनी जैसी तो इन दांतों से ये अपने फूड को कुतरते हैं कुतरना मीन्स जल्दी जल्दी छोटे छोटे टुकड़ों में खाना नेक्स्ट इज अवर सम एनिमल्स सक देयर फूड कुछ एनिमल्स अपने फूड को चूसते हैं सक करना मीन्स चूसना इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाई मॉस्किटो हैज अ लॉन्ग होलो लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर मतलब जो बटरफ्लाई होता है यानी तितली होती है और मॉस्किटो मच्छर होते हैं उनकी जो मुंह होता है वो होलो ट्यूब मतलब सुई जैसा होलो मतलब खोखली ट्यूब जैसी मुंह होता है उनका जिससे वो ब्लड को जिससे वो अपने फूड को सक करते हैं जैसे देखो बेटा ये बटरफ्लाई है ये फूलों को रस को सुक सक करती है चूसती है ये है मॉस्किटो जो हमारे खून को चूसता है मॉस्किटो तो देखा होगा उसका माउथ देखना बिल्कुल सुई जैसा होता है जिससे वो हमारे ब्लड को सक करते हैं चूसते हैं नेक्स्ट इज अवर केयर ऑफ एनिमल्स दिज अवर देयर फीडिंग हैबिट्स ये थी खाने की आदतें उनके एनिमल्स की अब हमें एनिमल्स की केयर करनी चाहिए केयर मीन्स देखभाल करनी चाहिए लिविंग इन लिविंग इन वाइल्ड कैन टेक केयर ऑफ देमसेस एनिमल्स जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं ना जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें तो वो अपनी देखभाल खुद कर सकते हैं लेकिन जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिनको हम पालते हैं जैसे गाय है भैंस है ठीक है तो उनकी देखभाल हमें करनी पड़ती है उनकी देखभाल क्या है हमें करनी पड़ती है तो उनकी देखभाल हम कैसे करेंगे एनिमल्स विच गिव अस मिल्क नीड टू बी फेड विद ग्रेन्स ग्रीन फोडर्स एंड लॉर्ड्स ऑफ क्लीन वॉटर एनिमल्स जो हमें दूध देते हैं जैसे गाय है भैंसे हैं उन्हें हमें अनाज डालना चाहिए और हरा चारा डालना चाहिए और बहुत सारा उसको क्लीन वाटर साफ पानी पी, पीने के लिए देना चाहिए नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट इज द शेल्टर ऑफ एनिमल्स शुड बी क्लीन ड्राई एंड एयरी जो एनिमल्स का शेल्टर यानी घर होता है वो क्लीन साफ होना चाहिए ड्राई मतलब सूखा होना चाहिए और एयरी मतलब हवादार होना चाहिए नेक्स्ट एनिमल्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम हॉट एंड कोल्ड वेदर एनिमल्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए हमें ज्यादा गर्मी और ज्यादा सर्दी से नेक्स्ट इज सिख एनिमल्स शुड बी टेकन टू वेटनरी डॉक्टर जो सिख मतलब बीमार जानवर होते हैं उन्हें हमें वेटनरी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए वेटनरी डॉक्टर क्या होता है बेटा जो जानवरों का डॉक्टर होता है ना उसे हम वेटनरी डॉक्टर कहते हैं नाउ योर दिस चैप्टर एनिमल्स इज ओवर योर होमवर्क इज रीड दिस चैप्टर केयरफुली इसे ध्यान से पढ़ो तुम्हारा होमवर्क क्या है रीड दिस चैप्टर केयरफुल थैंक यू हैव अ नाइस डे